झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडा फहराया और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि हमने झारखंड को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को गिनाया, कहा कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है, स्वास्थ्य, सड़क समेत कई क्षेत्र में हो रहे कार्यों को बताया, साथ ही खाद्यान्न योजना के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, पोटो हो, नारो हो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमारे संविधान का मूल भावना है। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखंड के 3 महान विभूतियों को श्रद्धेय जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्रनाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने झारखंड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान में समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है। उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।